नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से पीलीभीत हॉट सीट पर आ पहुंची। मेरे साथ जितेन प्रसाद कद्वार मंत्री हैं और जिस तरीके से ये सीट है और पूरा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प है पीलीभीत में। जितेन प्रसाद, क्या लग रहा है सर, मोदी जी का जो सपना है 400 पार? बिल्कुल, 80 में से 80 और 400 पार, अपार जन समर्थन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था यहाँ कुछ दिन पहले, ऐतिहासिक रैली यहाँ देखने को मिली और उनके विचार, और आप देखिएगा उनके 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसकी जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंची हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और आने वाले 5 साल के लिए जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत से स्थापित करेगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि सर आप बाहर से आते हैं, यहाँ क्या प्रत्याशी नहीं मिला गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं उन्हें मालूम नहीं है कि भौगोलिक स्थिति, शायद वो लोग भारी होंगे। हम यही कहें, पूरनपुर में हमारी खेती है, वहीं खाते हैं। जी जी, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि भाजपा जिस तरीके से प्रचार कर रही है, समाजवादी पार्टी कहीं के फीकी नजर आ रही है, क्या अलायंस पार्टी अखिलेश यादव आ रहे हैं? ये लोग तो तभी आते हैं, अपने ड्राइंग रूम से निकलते जब चुनाव आता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शीर्ष से लेकर कार्यकर्ता 365 दिन जनता से संवाद बनाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ रहता है। तो ये पार्टी इलेक्शन की वजह से नहीं चलती है, ये जनता की वजह से और देश की चलती है। क्या लग रहा है सर, कितनी मोटर से जीत होने वाली है? वो तो समय बताएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा जितेन प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद थे, युवाओं में एक ऐसा जोश भरते हैं और यहाँ का युवा ये चाहता है कि पीलीभीत का सांसद जितेन प्रसाद को बनाया जाए। लेकिन फर्स्ट फेस में या फेसिंग में चुनाव होना है तो देखना यह होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसको सांसद बनाती है। कैमरामैन निशांक दीक्षित के साथ मैं मुकेश मानव, एक्सप्रेस न्यूज भारत, पीलीभीत।